बारामूला कुपवाड़ा हाईवे पर यातायात को बाधित कर दिया गया है। हादीपुरा और बतरगाम तक घेराबंदी कर दी गई है। और बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां बारामूला में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की संभावना के बाद बड़े पैमाने पर सर्च अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। सज्जाद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मौके से। सज्जाद का रुख करेंगे। जी सज्जाद, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? यातायात पूरी तरह से बाधित है और इसके इतर किस तरह से पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था कि करीब 8 बजे, जब आरोपी जो फौज की आरोपी जाती है सुबह रोड क्लियरेंस के लिए, उनको कुछ शक हुआ था और शक की बुनियाद पे उन्होंने इस इलाके को घेरे में ले लिया और उसके बाद मजीद फौज जो है, पुलिस है, CRPF है, उसको यहाँ पे बुलाया गया और इस पूरे इलाके को घेरे में लिया गया। मैं आपको बता दूँ कि ये इसमें फ्रूट एप्पल के बागात हैं, काफ़ी घने बागात हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप अपने कैमरामैन से बताना चाहूंगा कि वो थोड़ा सा दिखाए कि ये जो रोड है ये बारामूला हंदवारा रोड है और हम इस वक्त हदीपोरा वतरगाम में हैं और इस रोड पे जब से कॉर्डन हुआ है ट्रैफिक की यातायात को बिल्कुल स्थगित कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है और लोगों को कहा जा रहा है कि अल्टरनेट रूट्स ले लें बारामूला या सोपोर या हंदवाड़ा जाने के लिए वो ले रहे हैं। और अभी तक जो इत्तला हमारे कि फौज और पुलिस का यही कहना है कि कुछ मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं इस इलाके में, चूंकि इन बागात में काफी रिहायशी मकानात भी हैं, हो सकता है किसी रिहायशी मकान में मिलिटेंट छुपे हों और बिल्कुल चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है और इस बात को वाजिया किया जा रहा है कि आया कि इस मिलिटेंट कहाँ छुपे हैं और इसके लिए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन सुबह से बिल्कुल जारी है। बिल्कुल सजाद, साथ ही साथ जिस तरह से यातायात बाधित होना बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि पूरे रास्ते में गाड़ियों की आवाजाही नहीं होगी, इसको लेकर किस तरह से कब तक माना जाए कि इस रास्ते पर आवाजाही बंद रहेगी और लोगों को फिर अल्टरनेट रूट लेना पड़ेगा? जी बिल्कुल, हमारी बात हुई थी जो पुलिस के अधिकारी हैं या फौज के अधिकारी हैं, उनका यही कहना था कि ये एहतियात के तौर पर उन्होंने ये रोड को बंद कर दिया गया, इससे ट्रैफिक मूवमेंट बंद कर दी गई, बिल्कुल एहतियात के तौर पर। हो सकता है फायर आए, हो सकता है कुछ ऐसा यहाँ पे, चूंकि घना इलाका है तो लोगों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये बंद किया है और अल्टरनेट रूट्स काफ़ी हैं इस इलाके में, हालांकि लोगों को तकलीफ थोड़ी बहुत हो रही है लेकिन उनकी सुरक्षा जरूरी है। लेकिन जो फौज और पुलिस के अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि अभी कुछ नहीं बता सकते, जब तक इस तलाशी कार्रवाई को मुकम्मल नहीं किया जाएगा तब तक इस रोड पे, इस शहरा पे, इस हाईवे पे ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया जाएगा। जी ठीक है।